नमस्कार उषा फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं कटहल के बीज की सब्जी बनाऊंगी जो बहुत ही अच्छी लगती है। कई बार हम कटहल खा के बीज को फेंक देते हैं लेकिन बीज की भी सब्जी बनती है, तो इसे देखने के लिए मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ, वीडियो को बीच में बंद मत करिएगा। आज मैं कटहल के बीज की सब्जी बनाऊंगी, जिसके लिए देखिए मैंने कटहल का बीज ले लिया है और इसे मैं 2-3 दिन तक धूप में सुखा ली हूँ। धूप में सुखाने से इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। इधर मैं आलू को उबाल ली हूँ, आप चाहे तो आलू को ऐसे ही काट के डाल सकते हैं। इधर मैं लहसुन और अदरक को ली हूँ और तेज़पत्ता, काली मिर्च, जीरा और इधर ये खड़ी वाली गरम मसाला है जिसमें एक बड़ा वाला इलायची है, 2 दालचीनी है छोटा छोटा और चक्री फूल है 2 और 2-3 लौंग है। इन सब मसालों को मैं पहले कूट लूँगी। इधर मैं एक प्याज को बारीक बारीक काट ली हूँ इस तरह से लंबे लंबे। इधर मैं तेल ली हूँ और नमक है और गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है। इधर मैं हरी मिर्च को भी काट ली हूँ और मैं 2 टमाटर ली हूँ। सारे मसाले हमारे जितने सब्जी रहेंगे उसके हिसाब से ले लेंगे। और मैं अब कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब सब्जी को भूनेंगे। इधर मैं जब तक कटहल के बीज से छिलके को निकाल लेती हूँ, तो किसी चीज़ से कोई भारी सामान से हम इसे दबा के छिलके को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बीज को जब 2 दिन तक जैसे धूप में सुखा देते हैं तो इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से हम छिलके को निकाल लेंगे। सारे बीज से छिलके को हम निकाल लेंगे। इधर तेल हमारा गरम हो गया है, मैं आलू को तल लेती हूँ। आलू तल के बनाने से सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है, तो आलू छोटे छोटे हैं तो मैं इन्हें पहले तल लेती हूँ। इधर आलू हमारा तल गया है, देखिए लाल हो गया है। अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में तेल बचा है इसी में हम सब्जी को तड़का लगाएंगे। तो मैं तेज़पत्ता डाल रही हूँ, देखिए तेज़पत्ता लाल हो गया है। और जो खड़ी वाली गरम मसाला था उसे मैं कूट ली थी उसे डाल देती हूँ। खड़ी गरम मसाला का तड़का लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है। और लहसुन और अदरक कूटी थी इसे डाल लेती हूँ। जब लाल हो जाएगा तो हम हरी मिर्च को डाल देंगे, तो हरी मिर्च को भी मैं डाल देती हूँ। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, अगर आपको जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप मिर्च ले सकते हैं। अब मैं प्याज को डाल देती हूँ। प्याज डाल के हम कुछ देर तक भूनेंगे। जब प्याज हमारा लाल हो जाएगा तब हम टमाटर डालेंगे। देखिए प्याज हमारा लाल हो गया है, अब मैं इसमें टमाटर डाल लेती हूँ। मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ मैं पहले टमाटर ही डालती हूँ, क्योंकि टमाटर डालने से सूखा मसाला हम डालते हैं तो जलता नहीं है, इसलिए मैं कभी भी पहले टमाटर ही डालती हूँ। नमक डाल लेते हैं ताकि टमाटर हमारा जल्दी गल जाएगा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और ये लाल मिर्च है, ये कलर वाला लाल मिर्च है जिससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और काली मिर्च और जीरा को मैं कूट ली थी इसे डाल लेती हूँ। और सारे मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाला जब हमारा अच्छे से भुनाता है तो सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए बीज को मैं सारे छिलके निकाल ली हूँ बीज के,
और मैं इसे धो ली हूँ। बीज को हमें ऐसे ही फोड़ना है, मतलब दो दो टुकड़ा कर लेना है, क्योंकि मैं उबाली नहीं हूँ। आप चाहे तो उबाल के भी बना सकते हैं, तो पकने में टाइम लगता है, इसलिए फोड़ के दो टुकड़ा कर लीजिएगा। और कुछ देर सब्जी को भून लेते हैं। देखिए सब्जी हमारा मतलब मसाला भून गया है। अब मैं इसमें आलू डाल लेती हूँ। आलू छोटा छोटा है तो मैं इसे तोड़ी नहीं हूँ। अगर आपके आलू बड़े होंगे तो आप तोड़ लीजिएगा। इधर उबालते समय आलू जो टूट गया था, मैं इसे भी डाल देती हूँ। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। इधर मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। सब्जी में जब हम पानी डालने वाले रहते हैं तो उसके थोड़े देर पहले ही गरम मसाला डालिएगा, क्योंकि गरम मसाला डालने के बाद सब्जी को ज़्यादा देर तक नहीं भुना जाता है। तो देखिए सब्जी हमारा कितने अच्छे से भुन गया है, आपको देख के ही लग रहा होगा। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। मैं बीज उबाली नहीं हूँ तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालूँगी, ताकि बीज अच्छे से पक जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्जी बना के बहुत ही अच्छी लगती है, कटहल के बीज की सब्जी। मैं थोड़ा और पानी डाल लेती हूँ और हम इसे अब ढक के पका लेंगे। देखते हैं, देखिए सब्जी हमारे पक गया है, कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसे चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। देखिए बीज कितने अच्छे से पक गया है। और थोड़ा हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। धनिया पत्ती डाल देने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमारी सब्जी कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए, आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि हम कैसे कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए। तो चलिए अब हम सब्जी को परोस के दिखाते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक।